पुलवामा शहादत मामले में पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई से मुजफ्फरपुर में जबरदस्त खुशी की लहर है। इस सैन्य कार्रवाई के समर्थन में युवा सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे थे। जिले में कई स्थानों पर लोगों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया और आतिशबाजी की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज रहा था। युवाओं ने कहा है कि देश के 125 करोड़ के जनता के मन का काम पीएम मोदी ने किया है। में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को हमला किया गया, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर में भी विभिन्न चौक चौराहों पर लोग जश्न मना रहे हैं। युवाओं काफी उत्साहित हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन उत्साही युवाओं से जो आतिशबाजी करके और विभिन्न चौक चौराहों पर हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कैसे क्या जश्न मना रहे हैं, क्या कैसे जश्न मना रहे हैं। देखिए, हम लोग आज जश्न मना रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन शहीद हुए पुलवामा के जवान को, जो आज हमारे वायुसेना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश का हर इंसान का सीना 56 इंच का हो गया है इस बात की गर्व से कि आज पाकिस्तान को, उनके आतंकियों को, उन्हीं के भाषा में जवाब दिया गया है हमारी देश की तरफ से। इसीलिए पूरे देश में वायुसेना के द्वारा जो आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया गया है और उसे नष्ट नाबूद कर दिया, इसको लेकर मुजफ्फरपुर में काफ़ी लोग उत्साहित हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्या जश्न मना रहे हैं और कितना उत्साहित हैं, बताइए। हाँ, भारत की हर युवाओं चारों तरफ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह से वायुसेना ने आतंकी को ढेर किया है, उसको लेकर हम युवाओं ने जो जश्न मना रहे हैं, वह पूरे भारत के युवाओं में खून खौल गया है और देश जो मांग रही थी खून का बदला खून, इसीलिए आज उन शहीदों को सही श्रद्धांजलि आज सुबह 3 बजे जो दिया गया है। पुलवामा में हुए शहीदों के सही श्रद्धांजलि की लोग बात कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, काफी उत्साहित युवा आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर लोग जश्न मना रहे हैं। वहीं भारतीय जवानों द्वारा पुलवामा घटना का बदला लिए जाने के बाद से बिहार नेपाल का रक्सौल वीरगंज सीमाई शहर हाई अलर्ट पर है। इसी के मद्देनजर वहां के अधिकारियों ने गुप्त रूप से बैठक की, जिसमें भारतीय सेना के कार्रवाई के बाद पाक के हरकतों की खुफिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की गई, जिसमें भारत और नेपाल के सुरक्षा से जुड़े अधिकारी सहित खुफिया विभाग के अधिकारी, भारतीय दूतावास के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में ये चर्चा जोरों पर रही कि घटना के बाद हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जाएगी और दोनों देश के सुरक्षा बलों के सहयोग से दुश्मनों के मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, रक्सौल से गणेश शंकर, बिहार तक।